मित्रों नमस्कार। शनिवार को एक तस्वीर वायरल हुई दुनिया भर में और इतनी ज़्यादा देखी गई जितनी हफ्ता भर में कोई वीडियो नहीं। वो तस्वीर थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो के मुखिया को गले लगाना, उनके आंसुओं पर विराम देने की कोशिश करना, उनके पीठ को सहलाना, उनके भावों को सहलाना। और वो इतना वायरल हुआ कि पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की चर्चा हुई, इसरो का गुणगान हुआ, नासा तक ने भारत की इसरो की उपलब्धि का बखान किया। चंद्रयान 2 भले ही 100% सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसरो ने खुद माना कि 95% सफल हुआ और इसकी उपलब्धि पर नासा ने उसकी तारीफ में कशीदे गढ़े। लेकिन भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 400 बीसी के आरोपी एक टीवी चैनल प्रणय राय के टीवी चैनल जो लगातार देश भर में विद्रोह का एक माहौल बना रहा है, उसने उस इसरो के मुखिया को अपमानित किया, तो पूरे देश में फिर से सवाल उठने लगा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग के ये आरोपी प्रणय राय का NDTV किसके लिए काम कर रहा है। जब चंद्रयान 2 की असफल हो जाने की बात सामने आई तो वहां मौजूद NDTV का विज्ञान साइंस रिपोर्टर पल्लव बागला चिल्लाकर वहां बोलने लगा कि कहां है इसरो चीफ, कहां गया, वो प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के लिए, उस के शिवम के लिए जिस पर पूरे देश को गर्व था। दरअसल प्रणय राय का ये चेला चाहता था कि इस माहौल में वो खलनायक बनाने की कोशिश करे के शिवम को, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ कई दिनों से उनके नाम की चर्चा हो रही थी, वो इस कार्यक्रम से पहले मंदिर गए थे और इस पर भी उसने जो विवाद करने की कोशिश की। दरअसल उसकी प्लानिंग थी कि कहीं यदि इसरो के इस कार्यक्रम चंद्रयान 2 के फेल हो जाने से देश भर में इसरो के खिलाफ यदि, इसलिए उसने ये कोशिश की कि एक विद्रोह का माहौल बनाने का। खैर बाद में ट्विटर पर जब उसे अपमानित किया गया जाने लगा तो उसने माफी भी मांग ली। मगर दिलचस्प देखिए कि इसी अगस्त माह में जिस प्रणय राय और NDTV पर 420 धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुए, वो दरअसल लगातार एक कोशिश कर रहा है कि देश में विद्रोह कैसे हो। जिस ट्रैफिक एक्ट को सरकार ने जो मान्यता आप दोनों सदन से पास कराया, उसके तहत जब 1 सितंबर के बाद वो कानून में अमल होने लगा और जब चालान काटे जाने लगे तो उन लोगों के पक्ष में प्रणय राय का वो चैनल खड़ा हो गया जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। अब देखिए कि उनने कहा कि इतने इतने चालान क्यों, 23,000 के चालान क्यों 15,000 के स्कूटर पे, 40,000 के चालान क्यों ट्रक वालों के ऊपर। और ये वो लोग थे जिनके पास ना लाइसेंस था, वो 40 किलोमीटर दिल्ली से गुड़गांव चले गए थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था, RC नहीं थी, हेलमेट नहीं थे, बिना हेलमेट के चल रहे थे, उनके पक्ष में माहौल बनाया जाने लगा ये भूलकर कि ये चालान जिस राज्य में देश में सबसे ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ट्रैफिक पर सख्ती की जा रही है, वो राज्य हरियाणा है और हाल ही में वहाँ चुनाव होना है। तो इस आपराधिक प्रवृत्ति के पत्रकारों को दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हरियाणा में चुनाव है तो फिर वहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है,
क्यों वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ये भूल रहे हैं कि जनता, बहुसंख्य जनता चाहती है कि सड़कों पे चलने के नियम हो, ताकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सड़क हादसे हिंदुस्तान में होते हैं उस पर विराम लगे, सड़कों पे जो भीड़ है अनियंत्रित बेलगाम और चालकों की, उसकी भीड़ खत्म हो और लोग सुचारू रूप से चल सकें। ये बहुसंख्य लोग चाहते हैं। जो लोग गैर कानूनी तरीके से सड़क पर चलना चाहते हैं उनकी संख्या कम है, और ये हरियाणा सरकार बेहतर जानती है, उड़ीसा सरकार बेहतर जानती है। हरियाणा में चुनाव है और तब सबसे सख्ती वहीं की जा रही है। मगर ये मत भूलिए कि सिर्फ कश्मीर में ये विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है जो रिपोर्टर्स दिल्ली से गए थे कश्मीर रिपोर्टिंग करने, वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदरूनी इलाके जो डाउनटाउन है उस इलाके में सिर्फ एनडीटीवी रिपोर्टिंग कर सकता है, दूसरों को इजाज़त नहीं है। इंडियन मीडिया को आसानी से वहाँ जो हमारे साथी लौट करके आए हैं या फिर जो बात होती है उनसे, वो कहते हैं कि एनडीटीवी को ही बहुत आसानी से वहाँ रिपोर्टिंग करने दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो विद्रोह कराना चाहता है। वो ये सवाल नहीं उठाता, वो कश्मीरी पंडितों से नहीं पूछता क्या आखिर 370 के पक्ष में हैं या नहीं हैं, हैं तो क्यों हैं। वो कुछ वहाँ के लोगों से की बाइट उठाता है और ये कहता है कि आज़ादी खतरे में है, मोबाइल से वो अपने फैमिली वालों के से संपर्क में नहीं आ पा रहा। जिस कश्मीर में सालों से जिसे कर्फ्यू में रहने की आदत है, वहाँ कुछ दिन यदि मोबाइल सर्विस नहीं हो पा रहा है तो उसे वो विद्रोह का शक्ल देना चाहता है और बहुत चालाकी से ये आवाज़ उठाता है। तो सवाल ये है कि आखिर 421 का 420 का आरोपी, जो एक बड़ा संपादक और मालिक है, कई सालों से जहां छटनी चल रही है, वो उठाता है बेरोजगारी का मसला, उसके जो बकैत जिसे हम कहते हैं मैक्से से अवार्डी हो चुका है, वो बेरोजगारी का सवाल उठाता है। कभी चैनल में इतनी बड़ी संख्या में कैमरामैन निकाल दिए गए, रिपोर्टर निकाल दिए गए, अब खर्चे कम कर लिए गए, जहां 5-स्टार होटल से रिपोर्टरों के लिए लंच आया करता था वहां 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, आखिर ऐसा क्या हो गया? ये सवाल नहीं उठाता, लेकिन विद्रोह करने की कोशिश करता है इसरो के खिलाफ, कश्मीर में 370 के मसले पर और उन मसलों पर जिस मसले पर देश चाहता है ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। तो ये बहुत चिंतन करने का विषय है कि 420 के आरोपी, एक संपादक की पूरी टीम क्यों देश में विद्रोह कराना चाहता है। बहुत चिंतन करने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मनीष ठाकुर सो।